आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं सियासत के मिशन की। मिशन 2024 को फतह करने की कवायद तेज हो चुकी है। 2024 के चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति किसकी अभेद होगी? इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले झलक मिलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल गए, फिर जयपुर में बड़ी रैली की। इस मुद्दे पर खूब बोले प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन शिवराज और वसुंधरा की चर्चा तक नहीं की। समझने वाले समझ गए, कुछ बड़ा होने वाला है। और कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेताओं को और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला कर सभी को हैरान कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे नेताओं को बड़ा सियासी मैसेज भी शायद दे दिया गया है। बीजेपी का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक है या फिर मजबूरी, फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है। वहीं इंडिया गठबंधन की जो ढपली बज रही है, जो उसका सियासी म्यूजिक है, उससे कभी भी पार्टी बाहर नहीं निकल पा रही। कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है, हर पार्टी अपना दावा कर रही है। नीतीश कमल फिर से डूलने लगा है, ममता दीदी कांग्रेस की विलन बन गई है, और बची आरजेडी, तो आरजेडी आपसी कलह से परेशान है। मतलब साफ है कि 2024 के चक्रव्यूह को भेदना इतना आसान नहीं होगा। मोदी के चक्रव्यूह में शिवराज, राजस्थान में वसुंधरा साइडलाइन, मिशन 2024 से पहले सियासी घमासान, इंडिया गठबंधन में अपनी डफली अपना राग, 24 के चक्रव्यूह में किसकी हार किसकी जीत। एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने 24 का चैलेंज है, लेकिन इसके पहले 2023 में 5 राज्यों में चुनावी इम्तिहान है, जिसे लेकर सबकी तैयारियां तेज हैं। लेकिन इन तैयारियों में कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। तो वहीं विधानसभा टिकट मिलने के बाद बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खुलकर कहा कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय खुश होकर ऐसा कह रहे हैं या बहुत दुखी, आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सकता है। पर अंदर से खुश नहीं हूं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एक परसेंट भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाए तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। वही राजस्थान की सियासत में भी बीजेपी सरप्राइज करने के मूड में है, क्योंकि पूर्व सीएम और कद्दावर नेता वसुंधरा राजे लगभग साइड लाइन है। वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह जयपुर पहुंच रहे हैं। खबर है कि देर रात तक मीटिंग होगी और हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अजीब उथल पुथल मची हुई है। सोमवार को जयपुर में हुई मोदी की सभा में भी राज्य सरकार की एक भी उपलब्धि का जिक्र नहीं किया गया। इन सब के बीच ये बात तो तय मानी जा रही है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे, लेकिन सीएम का फेस कौन होगा, ये एक अबूझ सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। 2024 से पहले सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन में भी टेंशन है। पंजाब में कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो सभी लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ेंगे, तो बंगाल में अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, और रही सही कसर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में पूरी कर दी है। चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। जो इंडिया गठबंधन है, हम इस कार्यक्रमों के साथ साथ अपना एसेस भी कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी पार्टी कहां मजबूती से लड़ेगी, और मजबूती से लड़ने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं संगठन से भी बात करने आया हूं, और उनकी राय लेकर के आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़े उस पर भी विचार करेंगे। डेंगू तो यही डेंगू तो मैन मेड डेंगू आरो बोलते के लिए ममता मेड डेंगू आरो बोलते के लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डेंगू
ये डेंगू होबे सबाई जानतो डाक्तार जाने रोगी जाने साधारण मानुष जाने दीदीओ जाने बांगलार मानुष भगवान के भरोसे जियो भगवान भरोसा आल्लार भरोसा जियो आमरा किछु करते पारबो ना सबाई जाने डेंगू होबे अनेक बार आमरा बोले दिछि अनेक आगे थेके তাই বলবো এই ডেঙ্গু মমতা মেড ডেঙ্গু গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু ম্যান মেড ডেঙ্গু। 24 के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कुमार जैसे फिर पासा पलटने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में ऑल इज वेल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब आरजेडी के अंदर भी जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। आरजेडी के अंदर ताजा विवाद के पीछे की वजह पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। खेत का खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, देश शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। इंडिया गठबंधन में दरार तो है, साथ ही कई पार्टियों के अंदर भी तूफान मचा है। बीजेपी के फैसले से कई बड़े नेता जहां सियासी आलाप कर सकते हैं, वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर बड़ी फूट पड़ सकती है। मतलब 24 के चक्रव्यूह से पार पाना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई है। जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में अमित शाह और जेपी नड्डा इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं और राजस्थान के चुनावी मुद्दों पर यह बैठक देर रात तक चलने वाली है। तमाम गुटों के बीच बैठकर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरी बीजेपी परेशान इस वक्त वसुंधरा राजे के राजनीतिक स्टैंड को लेकर है कि आखिर राजे क्या स्टैंड लेगी, क्योंकि अगर पार्टी राजे का स्टैंड चाहती है तो राजे को चेहरा बनाना होगा, लेकिन इस बार पार्टी बिल्कुल इस मूड में नहीं है और पार्टी ये चाहती है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन ये मंजूर वसुंधरा राजे को नहीं है। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि उन्हें महत्व दिया जाए, उन्हें चेहरा बनाया जाए, क्योंकि वही है राजस्थान की राजनीति का, बीजेपी का असली चेहरा। इस पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मनु शर्मा साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए और राजनीति और राजस्थान की सियासत को समझिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए आज जयपुर जो है बुधवार को अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों पहुंच गए हैं। जयपुर के अंदर होटल्स जो बुक कराई गई थी उनमें से एक ललित होटल भी थी, वहां पर बैठ करके पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके अंदर यहां पर पहले कोर ग्रुप की बैठक है, उसके बाद में चुनाव प्रबंध समिति की बैठक होगी। यानी साफ तौर पर जो 25 तारीख की एक सभा हुई थी जयपुर के अंदर, जिसके अंदर मोदी ने साफ संकेत दे दिया था कि पार्टी केवल कमल निशान पर चुनाव लड़ेगी, उसी आधार पर सारी तैयारियां की जा रही है। यानी राजस्थान के किसी चेहरा यहां पर किसी को नहीं बनाया गया है, इस बात के संकेत पहले भी दे दिए गए थे, लेकिन इस रैली के बाद तो बिल्कुल एक मैसेज दे दिया गया है आम कार्यकर्ता तक कि आप केवल कमल के निशान के साथ में काम करें, कमल कोई चेहरा देख करके काम ना करें, उसी के आधार पर वोट डालना। तो इसकी एक जो रणनीति तैयार करनी है आम कार्यकर्ता की, क्योंकि राजस्थान के अंदर सीधे तौर पर 25 साल का अगर देखा जाए इतिहास, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्टी ने चेहरा घोषित नहीं किया हो, लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाह रही है पार्टी, तो एक आम कार्यकर्ता था कि ये मैसेज देने की बात है, उसको किस तरीके से समझाया जा सकता है। दूसरी बात, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके तक पूरे राजस्थान के अंदर आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार जिस तरह अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है, उसी के आधार पर उसका क्या जवाब हो सकता है। इन सब की तैयार रणनीति तैयार करने के लिए जयपुर के अंदर अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक संकेत मध्य प्रदेश में भी दे दिया है और संकेत राजस्थान में इस वक्त जो बैठक चल रही है उसमें भी दिया जा रहा है। संकेत साफ है, ना तेरा ना मेरा, ना कोई छोटा ना बड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो वो है पार्टी और पार्टी का सिंबल कमल। इसी के मद्देनजर हर किसी को चलना पड़ेगा और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा। संकेत साफ है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।